अच्छा अशरफ बताना फिर क्या हुआ? ओए होना क्या था, मैं गया और जाके अब्बे के सामने उल्टा अब्बे के सामने खड़ा हो गया। है? वो तो तेरी टोर देख के घबरा गए होंगे, है ना? घबरा गए थे। इल्ताफ भाई के हाथ से तो पानी का ग्लास गिर गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैंने कहा अब्बा जी इल्ताफ भाई हमारे समय क्यों शिफ्ट हो गए हो? अब्बा पहले घबराया फिर है? फिर क्या कहा उन्होंने? फिर अब्बा हंसने लग पड़ा, फिर इल्ताफ भी हंसने लग पड़ा, फिर दोनों मिलके पागलों की तरह हंसने लग गए। पर वो क्यों? वो मुझे कहते हैं चला जा जाया ना हो जाए। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने क्या करना था, अब देखना अब्बा जी और अल्ताफ भाई के ऊपर मैं हाथ तो नहीं उठा सकता ना, अगर कोई बारला होता ना तो लत पे लत रख के चीज देना था। हाय हाय हाय, मतलब तू फिर बेइज्जत होके आ गए? नहीं नसरीन, मैंने हार नहीं मानी। फिर मैं अम्मा के पास गया, अम्मा को सारी बात बताई, कहने लगी वो उनका हिस्सा पुराना ना तो तेज बारिशों की वजह से छतें चौ गई थी ना, और अल्ताफ भाई की मंजिल तो किसी वक्त भी गिर सकती है, इसलिए वो आर्जी तौर पर ना नए हिस्से में शिफ्ट हो गए। अम्मा कह रही थी जब उनके हिस्से का मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा तो वो वापस चले जाएंगे। चले ही ना जाए। और चले जाएंगे, वादा है मेरा। वो बल्कि जो थोड़े बहुत काम रह गए ना वो भी करवा लेंगे। नजरीन मैं इतना सीधा भी नहीं हूँ। अशरफ मैं तुझे ना गबरू देखना चाहती हूँ, कटिया नहीं। हाँ वैसे भी सीधा कहाँ रहने देते हो तुम लोग। तुझसे अब कुछ नहीं होना, जो कुछ करना ना मैंने ही करना है और मुझे ही सोचना पड़ना है। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने तेरी बातें।